यूं तो बर्नौल का प्राइस और डिमांड मार्केट में कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन जब से रामलला की मूर्ति का स्थापना हुआ है विदेशियों को बर्नौल से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। लेकिन रामलला की स्थापना से विदेशियों में बर्नौल की मांग क्यों बढ़ी? पहले बीबीसी को देखिए, इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ढाई गई बाबरी मस्जिद स्थल के ऊपर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी आप ज्यादा नहीं 500 साल का हिस्ट्री उठा के पढ़ लो। अगर उतना भी नहीं पढ़ सकते तो अकबरनामा ही पढ़ लो। उस पर भी विश्वास नहीं है तो एक बार भारत की आजादी से पहले का डॉक्यूमेंट पढ़ लो। जिस समय ब्रिटिशर्स भारत को लूट रहा था, ब्रिटिश तो आपका ही देश है, उसका ही डॉक्यूमेंट पढ़ लो। साफ साफ बाबरी मस्जिद को मस्जिद जन्म स्थल के नाम से इंडिकेट किया गया है। और जन्म स्थल उर्दू शब्द तो है नहीं ना, या आपको अपने देश पर ही विश्वास नहीं है? होगा भी कैसे, देश का प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन जो है। दूसरे नंबर पर आता है वाशिंगटन पोस्ट। इन्होंने लिखा है, मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके दशकों से चली आ रही आंदोलन को खत्म कर दिया। और आगे इन्होंने राम मंदिर और बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन को साथ जोड़कर दिखाया। ठीक है, जिसने मेहनत किया है वो इतना तो कर ही सकता है। फिर थोड़ा सा पता लगाने के बाद पता चला कि ये तो उसी देश का मीडिया है जहाँ पर जातिवाद और नस्लवाद टॉप पर है। जरा ये वीडियो देखिए। So am I religious? Yes, I am. I'm Hindu. I'm not Christian. And we are a nation founded on Judeo-Christian values. But here's what I can say with confidence. I share those same values in common. यह विवेक रामास्वामी, एक भारतीय मूल के हिंदू जो अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के लिए अपना कैंपेन कर रहे थे। और अमेरिकन को दिक्कत थी कि ये एक इंडियन है, वो भी हिंदू, और ये उसके देश का प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है। उनसे हिंदू होने पर और वेजिटेरियन होने पर सवाल किया जाता था। और लास्ट में इन सबसे परेशान होकर विवेक रामास्वामी ने अपना कैंपेन बंद कर दिया। अब बारी आता है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के मशहूर न्यूज़पेपर डॉन की। इन्होंने क्या पोस्ट किया, जरा उसे देखिए। इन्होंने लिखा है, भारत के मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया है जिसे हिंदू राष्ट्रवाद की जीत के रूप में देखा जाता है। हमेशा मंदिर टूटने की न्यूज आती है, वो भी धर्म निरपेक्षता पर ज्ञान दे रहा है, लेकिन जब यहाँ बात चाइना की हो तो ये लोग चुप हो जाते हैं। चाइना के विगर मुस्लिम के बारे में तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। चाइना में एक भी मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं रहने दिया जाता है, तब तो ये लोग कुछ नहीं बोलते। खैर कोई नहीं, पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी पिटाई हर देश कर सकता है। अब बारी नेपाल की, जरा इनका भी पोस्ट देखते हैं। इनका कहना है कि इन अयोध्या द फॉल ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, मतलब अयोध्या में राम मंदिर बनने से भारत की धर्म निरपेक्षता की नीति खत्म हो गई। अरे भाई, सबसे ज्यादा खुश तो नेपाल को ही होना चाहिए था ना। सीता माता का जन्म स्थान जनकपुर है जो कि नेपाल में है, और जिसका रिश्ता अयोध्या से सबसे ज्यादा गहरा है। कितने नेपाली लोग अयोध्या में दर्शन के लिए पैदल कोई साइकिल से आए हैं, लेकिन फिर भी नेपाल के गवर्नमेंट को इतना दुख हो रहा है। अब सवाल आता है कि ये लोग भारत में राम जन्मभूमि के उद्घाटन से इतना दुखी क्यों हैं? भारत की इस तरक्की से सबको बर्नौल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में अयोध्या मंदिर बनने से जहां एक तरफ भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और वहीं भारत में टूरिस्ट आने की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होगा। अयोध्या वेटिकन सिटी और मक्का मदीना जैसे होली प्लेसेस को पीछे छोड़ सकता है टूरिज्म के मामले में और आगे निकल सकता है। हमारे देश के हिंदू हो या मुस्लिम, कोई राम मंदिर बनने से दुखी नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों को इस बात की काफी दुख है।